हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोएक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आपने आजकल इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज के बहुत से चर्चे सुने होंगे। न्यूज़ में, टीवीज में हर जगह आ रहा है कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है। हम आज देखेंगे कि कौन से सोर्सेज है हिंदुस्तान में जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब पावर मिलती है। दोस्तों, ये चार्ट में अलग अलग सोर्सेज बताए गए हैं जिसके द्वारा हिंदुस्तान में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसमें मोनोपोली लीडर है कोल। कोल की बहुत शॉर्टेज है आजकल हिंदुस्तान में। उसके बाद, कोल के बाद जो प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है वो है लार्ज हाइड्रो, फिर स्मॉल हाइड्रो, फिर विंड पावर, फिर सोलर पावर। आजकल सोलर पावर बहुत चर्चे में है। उसके बाद आता है बायोमास एंड अदर, फिर न्यूक्लियर, फिर गैस, फिर डीजल। बट जिस स्टॉक की मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो इंडियन मार्केट में मोनोपोली लीडर है कोल का, और वो स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ टिकर टेप की वेबसाइट पे, और ये हमने निकाला है कोल इंडिया का डिटेल्स। तो सबसे पहले हम इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इसका जो करंट भाव चल रहा है वो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है। उसके बाद है रिटर्न्स वर्सेस एफडी, मतलब ये शेयर जिन जिन शेयर होल्डर्स ने रखा हुआ है उनको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रही हैं इसके अंदर। डिविडेंड रिटर्न्स, इस शेयर की जो सी डिविडेंड है वो बहुत अच्छा है। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो दोस्तों, अगर हम फॉरकास्टिंग एंड रेटिंग देखें तो 73% एनालिस्ट ने इसके अंदर बाय की रिकमेंडेशन दी है। और अगर हम पीई की बात करें तो कंपनी का पीई 9.22% है, और जो सेक्टर का पीई है वो 25.37 है। कोल इंडिया एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका शेयर मार्केट में रैंक 46 है, और एक कंपनी का कारोबार है कोल माइनिंग का। कोल इंडिया का शेयर नवंबर 2010 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद इस कंपनी ने जो हाई बनाया है वो 436 रुपए का बनाया है जुलाई 15, 2015 में, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी का जो लो था वो 110 रुपए का था, जो कि इसने लॉकडाउन के बाद बनाया है अक्टूबर 14, 2020 में। मतलब ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है इसने आज तक अंडर परफॉर्म किया है और इन्वेस्टर्स को मुनाफा नहीं बना के दिया। आज इसको लिस्ट हुए 11 साल हो गए हैं। अब बहुत देर के बाद ये शेयर दोबारा से चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि पिछले एक साल में कोल के प्राइजेस आसमान को छूने लगे हैं। सितंबर 2020 में जो कोल का प्राइस था वो $50 पर टन था, और बढ़ते बढ़ते अक्टूबर 2021 में इसने $270 पर टन का हाई बनाया है। इसलिए ये शेयर चर्चा का विषय में आया है दोबारा से। जैसे कि दोस्तों, आप टेक्निकल चार्ट्स पे देख सकते हैं कि शेयर ने रेक्टेंगुलर चैनल का ब्रेकआउट दिया है। तो इसका जो सबसे पहला सपोर्ट का लेवल था वो था 164 का, उसके बाद इसकी सपोर्ट का लेवल बना 180, फिर ये ऊपर गया शेयर, और ऊपर जाने के बाद अब ये दोबारा से हल्का हो रहा है, और मुझे लगता है कि 180 रुपये के लेवल के आसपास इसके अंदर हमें बाइंग करने चाहिए, क्योंकि इसका अगला टारगेट जो आएगा वो 215 रुपए के पास आएगा, और 215 पे लेवल पे दोबारा से एक बहुत बड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस ये शेयर फेस करेगा। और अगर आने वाले दिनों में ऐसे ही कोल की शॉर्टेज रही तो 215 का लेवल पार करके ये कई ऊपर चले जाएगा, और इसका जो अगला टारगेट आएगा वो 265 का आएगा दोस्तों, 265 का। तो अगर हम करंट रेट से देखें, अगर हम पहला टारगेट देखें 215, तो यहाँ से 19% की मूवमेंट अभी आनी बाकी है। और अगर हम बात करें टारगेट टू जो कि 265 का है, अगर यहाँ से 265 तक शेयर चलता है
तो 44% के रिटर्न आपको ये शेयर में देखने को मिलेंगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शेयर ने 10-11 साल के अंदर अंडर परफॉर्म किया है। और यही नहीं, पिछले दिनों में सभी पावर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि टाटा पावर है, वो पिछले 10 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट उसने 4-5 दिन पहले अपना 52 वीक हाई को क्रॉस किया और वो शिखर पर पहुंच गया है आज की डेट में। तो यहां पे भी तेजी आनी बाकी है। देखो 100% मैं नहीं बोल सकता, बट मैं टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं। दोस्तों मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर 180 रुपए के आसपास हमें बाइंग करनी चाहिए और टारगेट 215 का खेलना चाहिए। अगर आप मुझे कहें कि आप मुझे गारंटी देते हैं, मैं कोई गारंटी नहीं देता। मैं मार्केट का एक छोटा सा समझते हो, बिल्कुल तुच्छ सा कीड़ा हूं, ठीक है। तो ये सारी गेम तो ऑपरेटर खेलते हैं, हम सिर्फ एक जजमेंट कर सकते हैं अपने टेक्निकल या फंडामेंटल बेसिस पे। अगर फंडामेंटल की बेसिस पे बात करें तो ये अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। और अगर हम टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब इसने रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है 215 के लेवल्स आने वाले कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। और 215 क्या, मुझे तो 265 के लेवल भी दिखते हैं। मैं तो इस शेयर में 180 के आसपास अग्रेसिव बाइंग करूंगा। और अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कीजिए, ताकि आप और हम सब मिलके इस शेयर से अच्छा मुनाफा बांध सकें। आगे की वीडियोस का अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूं। थैंक यू दोस्तों।